वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना आज बूंदी के नैनवा के दौरे पर रहे और जनसुनवाई के दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन मंत्री ने भारी बारिश में ही लोगों की समस्याओं को सुना और फिर अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं किसानों ने राजस्व विभाग में ऑफलाइन काम नहीं होने की शिकायत दी, जिसके बाद लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को मंत्री चांदना ने जमकर फटकार लगाई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए, बारिश के बीच में किस तरीके से समस्याओं को सुनते रहे मंत्री अशोक चांदना। आपकी नहीं का मतलब क्या है? जब मैंने आपको आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर सो मेनी डेज, आई हैव शोन माय कंसर्न एंड यू एडेड अप टू इट, यू गिवन अ ऑर्डर और उसके बाद में काम नहीं हो रहा है, देन व्हाट आर वी डूइंग हियर? वी शुड लीव दिस जॉब एंड वी शुड गो टू आवर होम्स। ये जितने पटवारियों ने करने के लिए मना किया है, इनकी लिस्ट मुझे दीजिए, ये कहीं बाहर जाएंगे, इनको कहो कि बाड़मेर जाके काम करेंगे। अभी आज की तारीख में अगर ये चालू नहीं हुआ तो ये सारे पटवारी बाड़मेर जैसलमेर जाएंगे, इनको कह दो। और ये आज के बाद यहाँ नेतागिरी एक ही आदमी करेगा, वो मैं हूँ, और दूसरे नेतागिरी करी तो उसको मैं बता दूंगा। तो सुना आपने किस तरीके से अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए, और उसके पीछे की वजह यह है कि शायद कोई काम उन्होंने दिया था करने के लिए, वो काम हुआ नहीं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि बाकायदा जिसे तहसीलदार ने काम करने से मना किया उनकी लिस्ट बनाकर उनको दी जाए और फिर वो उनको बाड़मेर ट्रांसफर करा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर नेतागिरी सिर्फ एक आदमी करेगा और वो मैं हूँ। दरअसल जनप्रतिनिधि के तौर पर जब कार्यकर्ता उनके साथ होते हैं, जनता उनके साथ होती है, तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या वाकई में खेल मंत्री होने के नाते भी उनके काम नहीं हो रहे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरीके के आरोप पायलट गुट लगा रहा था कि बात सुनवाई नहीं होती, अधिकारी सुनते नहीं है, काम होते नहीं है। अब यहां तो बात खुद मंत्री की हो रही है, खेल मंत्री की। वो ये कह रहे हैं कि उनके काम नहीं हो रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको बाकायदा लिस्टिंग किया जाए और लिस्टिंग करके मुझे वो लिस्ट दी जाए, मैं उनको बाड़मेर भिजवा दूंगा, क्योंकि यहाँ नेतागिरी सिर्फ एक आदमी करेगा और वो मैं करूंगा। अब सवाल ये है कि वो कौन से काम थे जिनका जिक्र किया गया और वो काम अभी तक क्यों नहीं हुआ?